हेलो, वेलकम यू ऑल। आज 10 मार्च और आप सभी के लिए फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, हैप्पी होली। तो आज हम बात करने वाले हैं मिशन टू सेव द यस बैंक। आपको जैसे ही पता है, SBI अपना रेस्क्यू प्लान RBI को दे रहा है फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यस बैंक। तो क्वेश्चन अब इसमें यह बनता है कि जितनी लिक्विडिटी RBI और SBI मिलके यस बैंक के लिए दे रहे हैं, वो इनफ है कि नहीं है, कहीं वो कम ना पड़ जाए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यस बैंक हो ही ना पाए या हो पाए। तो हम इस बारे में जानेंगे। वैसे आपको पता है दोस्तों, यस बैंक टोटली न्यूज़ पे ही इसकी शेयर प्राइस की मूवमेंट रहती है। तो हम आज मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे को आने वाले कल वेनसडे को इसमें हमारे को मूवमेंट देखने को मिलेगी। हम वो डेली चार्ट्स पे भी देखेंगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं इसकी न्यूज़ पे। तो जो हमारा यस बैंक है, इसके लिए जो रेस्क्यू प्लान बनाया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ये RBI को सबमिट करेगा फॉर इन दिस वीक। और इसमें जो प्लान है, इसका लगभग 6,000 करोड़ के मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करेगा SBI विद द स्टॉक ऑफ 26%। और इसमें ये ऐसे ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स SBI ढूंढ रहा है जो सिमिलर अमाउंट के फंडिंग कर सके इन यस बैंक फ्रॉम द ग्रुप ऑफ ग्लोबल्स। मतलब कि ग्लोबल में से हम इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं। और वहीं RBI का भी प्लान है कि ये लिक्विडिटी का सपोर्ट करेगा एटलीस्ट 8,000 to 10,000 करोड़ यस बैंक के लिए। तो आपको मैं ये भी बता दूं, जो हमारे RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी और SBI के जो चेयरमैन हैं हमारे रजनीश कुमार जी, इनकी मंडे को मीटिंग हुई थी फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यस बैंक। और इसमें जो लिक्विडिटी का सपोर्ट रहेगा RBI की तरफ से, उसके बारे में बात हुई थी, वो किस टाइप में रहेगा, प्लस टाइप में रहेगा, उसकी सिक्योरिटीज़ क्या होगी, सिमिलर टाइप की उन्होंने इसमें बात की। वहीं आपको बता दूं, जो RBI ने अपॉइंट किया है एडमिनिस्ट्रेटर प्रशांत कुमार जी, उन्होंने बताया है यस बैंक के सपोर्ट के लिए RBI और SBI ने फुल सपोर्ट रखा है फॉर द लिक्विडिटी एंड देर इज़ नो कंसर्न फॉर द लिक्विडिटी। मतलब कि बोल रहे हैं कि जितना वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो फुल सपोर्ट करेंगे, पर ऐसा रियलिटी में है कि नहीं, क्योंकि SBI जो है वो डिफरेंट इन्वेस्टर्स से बात कर रहा है, जैसे कि आप बोलोगे ब्लैकस्टोन, ग्रुपफील्ड, TPG, KKR, JC फ्लावर्स, गोल्डमैन स्कैच, डिफरेंट जो बड़े बड़े हमारे इन्वेस्टर्स है ग्लोबल, इनके साथ और ये पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है, आपको पता ही है। तो इनके साथ इनकी बात चली है कि अपना इन्वेस्टमेंट यस बैंक में भी करें। तो और आपको बता दूं कि ये जो फ्रेश लिक्विडिटी है 3-4 times इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं वो उससे काफ़ी ज़्यादा की लिक्विडिटी मांग रहा है, क्योंकि लगभग SBI जो है 6,000 करोड़ के आसपास अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पर जो टोटल ये अनदर इन्वेस्टर्स है जो जिससे SBI बात कर रहा है, उनसे कम से कम एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो इसमें इन्वेस्टमेंट करे वो 15,500 करोड़ के आसपास हो, वो भी इस करंट वीक में ही फाइनल करना चाहता है। तो जो हमारे जो चेयरमैन हैं SBI के, उन्होंने सैटरडे को भी ये बताया था, उनके पास सर्वल इन्वेस्टर्स आए थे जो लगभग 2,400 करोड़ की बेस बैंड प्राइस के आसपास इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, पर लगभग जो बैंक है यस बैंक, इसको कम से कम 22,000 करोड़ की लिक्विडिटी या पैसा चाहिए फिर कि ये स्टैंड हो सके। और तो इसी के रिगार्डिंग ये बात चली है। जो RBI ने भी एक ड्राफ्ट स्कीम की है कि उसमें बताया जो लेंडर हैं, स्टैंड ऑन लेंडर जो बैंक का है, उसमें तो उसके मिनिमम 26% की होल्डिंग रहेंगी और वो 3 साल तक नहीं बेच पाएगा। और जो मैक्सिमम एनालिस्ट है जो जिन्होंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की है कि मैक्सिमम जो SBI वो 10,000 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करेगा, पर जो बैंक को सर्वाइव करने के लिए पैसा चाहिए वो लगभग 22,000 करोड़ चाहिए। तो इसी के लिए वो डिफरेंट इन्वेस्टर्स को बुला रहा है या उनके साथ इसमें इन्वेस्टमेंट की सलाह दे रहा है और चाहता है इसमें इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, मेन हमारी बात इसमें ये बनती है, अगर इसमें तो 22,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टोटल हो जाता है तो डेफिनेटली हमारे को एक यस बैंक फिर से एक ऊपर आता हुआ बैंक दिखेगा। पर अगर वहीं इसमें, जैसे कि आपको पता है, यस बैंक के लिए सिर्फ SBI 10,000 करोड़ का, जो अभी तक हमारे पास करंट इन्फॉर्मेशन है, 10,000 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट टोटल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ RBI,
तो अगर उतना ही पैसा रहता है, डेफिनेटली येस बैंक के लिए ये एक बैड न्यूज़ रहेगी। अगर इसमें ग्लोबल से एक अच्छे इन्वेस्टर्स आते हैं और इसमें पैसा डालते हैं, तीन चार फर्म्स इकट्ठे मिलके अगर इसमें 22,000 करोड़ के ऊपर इस बैंक को ले जाते हैं, इसमें इतना लिक्विडिटी फ्लो करते हैं, तो हमारे को इसमें काफ़ी अच्छा ऊपर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आप बात करोगे तो जैसे जैसे इसमें न्यूज़ आती जा रही है, वैसे वैसे आप देखोगे इसमें प्राइस मूवमेंट तो वैसे ही रहती है। पहले दिन रहता है कि लोग 50,000 से ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे, रिटेल निवेशक फंस चुका है, तो डेफिनेटली इसने काफ़ी लो बनाया। फिर इसमें न्यूज़ आई कि आप निकाल सकते हो, SBI इसमें इतना इन्वेस्ट कर रहा है, ग्लोबल से इन्वेस्टर आ रहे हैं जो लगभग 2,450 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहीं इसमें हमारे को फिर से ऊपर मोमेंट दिखने को मिल रहा है। कल बल्कि मार्केट ये वन साइडेड डाउन रहा था, पर यस बैंक डेफिनेटली निफ्टी को पहली बार सपोर्ट किया। और वहीं अगर इसमें ऐसा न्यूज़ कंटिन्यू बना रहता है, वेनसडे को सुबह सुबह अगर कोई भी प्लान कोई भी इन्वेस्टर इसमें बता देता है कि हम इसमें इतना इन्वेस्ट करेंगे येस बैंक में, तो डेफिनेटली हमारे को इसमें काफ़ी ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लगभग जो हमारा अभी येस बैंक है वो 21.25 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, लगभग अपने सारे सिंपल मूविंग एवरेज के डाउन है, 5 डेज़ के सिंपल मूविंग एवरेज को नहीं कर रहा। वहीं अगर मैकडी की भी अगर आप बात करोगे तो मैकडी भी हमारा नेगेटिव है, और जो RSI है वो भी लगभग 34 के आसपास है। तो टेक्निकल एनालिसिस तो अभी भी बोलता है कि इसमें डाउनवर्ड प्राइस और जा सकता है, हमारे को देखने को मिल सकता है। पर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यस बैंक टोटल ही न्यूज़ पे चलता है और न्यूज़ पे ही आगे चलेगा, ये मेरा मानना है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इसमें कुछ न्यूज़ आएगी तो उसी टाइम इसमें हमारे को वैसे साइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो पॉइंट 1 ये है कि अगर इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स आते हैं, वो इसमें पैसा लगाते हैं, तो यस बैंक काफ़ी तेज़ी से ऊपर हमारे को बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो मुझे जो पहला टारगेट इसका अचीवेबल लगता है लगभग वो है 37 या 40 के आसपास, जो इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा। वहीं अगर इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं और सब अपने हाथ पीछे कर सकते हैं, तो हमारे को उसमें डेफिनेटली फिर से गिरावट फिर से देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ सपोर्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।